हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एक बार फिर DRDO CEPTAM टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। जी हाँ, कंटिन्यूसली कमेंट जो है आ रहे हैं कि सर इसके रिजल्ट के बारे में बताइए, कब तक रिजल्ट आएगा। काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं इस टॉपिक पे, बट अभी तक जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या है किसी को भी जो है कंफर्म नहीं पता चल रही है। तो आज हमने जो एनालिसिस करके आज पता किया कि कब तक जो है एक्सपेक्टेड है, कब तक आ सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ऑफिशियली कुछ अपडेट बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई डो नहीं। बट हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड अगर आपको डेट का पता करना है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है किसी भी सरकारी फॉर्म का हो, जी हाँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल का क्यों ना हो, हम आपके लिए सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पे। और यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म ही नहीं, आपको फॉर्म कैसे भरना है से लेकर कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, पूरी डिटेल्स में आपको जो है पूरा वीडियो आपको के माध्यम से आपको जो है जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स जो खुद 2 से 3 बार जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक किए होते हैं, ताकि वो अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर सके और आपको आसानी हो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर ना करते हुए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल तो मैं ये बात करूँ तो सबसे पहले जो ये 351 पोस्ट है टोटल 351, जी हाँ, ये 351 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि 351 का जो रिजल्ट है वो आपको पता है। काफ़ी इसमें पोस्टेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, कारपेंटर है, कोपा है, तो अलग अलग प्रकार के कैटेगरी वाइज है। तो इनका जो रिजल्ट है, जी हाँ, रिजल्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले रिजल्ट आएगा कि पहले आंसर की आएगा। जी हाँ, क्योंकि आंसर की आपका जो है पहले आएगा, तो फिलहाल तो अभी आंसर की ही नहीं आया है तो रिज़ल्ट को आने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। तो फिलहाल तो मैं आज इस बात पर बताऊँ कि आज 12 दिसंबर हो चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल देखा जाए तो अगर मैक्स टू मैक्स मानते हैं तो 20 दिन का समय यानी यहाँ पे है, अगर एग्जैक्ट मानेंगे तो 18 दिन है, लेकिन आप एक राउंड फिगर ले लीजिए कि 20 दिन का समय यहाँ पे टोटल है। अब इस 20 दिन में आपको दोस्तों अगर आंसर की आता है, जैसे कि कल अगर आंसर की आता है तो 4 दिन का तो आपको जो है वहाँ पर रोक लग जाएगा। रोक इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये 4 दिन तो जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर की के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 4 दिन आपका वेबसाइट पर आंसर की रहेगा ताकि आप चेक कर सकते हैं, अपना मिला सकते हैं आंसर, कितने आपके आंसर जो है करेक्ट हो रहे, कितने रॉन्ग हो रहे। तो यानी कल अगर आता है तो इस 18 दिन में आप माइनस कर लीजिए 4 दिन, तो बचते हैं आपके पास 14 दिन, यानी कि पूरे 2 सप्ताह। अब 2 सप्ताह के भीतर 1 सप्ताह में आपका आएगा आंसर की, जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगले सप्ताह में आएगा आपका रिजल्ट। आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाएंगे, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी आर्टिकल के आप जा सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको खुद ही मिल जाएंगे। सभी लोग ने लिखा है एक्सपेक्टेड, क्या लिखा है वहाँ पे, एनी टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड डेट नहीं, यहाँ पे लिखा है एनी टाइम, यानी कि आज 12 दिसंबर है, कल 13 दिसंबर है, कल भी जारी कर सकते हैं इसका आंसर की, परसों भी जारी कर सकते हैं, यानी एनी हाउ कभी भी आपका जो है एनी टाइम आ सकता है। यहाँ पर आपका कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। इस समय डेट जो है सेकेंड वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि आज थर्सडे है, बस 2 ही दिन बचे हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये 2 दिन के अंदर भी भीतर आपका जो है आंसर की आ जाएगा। और आंसर की के 4 दिन तक तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो रिजल्ट हो जाते हैं आंसर की को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 दिन का मतलब 2 से 2 दिन का समय और है आपको इस वीक के अंदर, तो हो सकता है इस 2 दिन के अंदर कभी भी आपका, देखिए किसी भी आप चाहिए गूगल पे, मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ ये चीज़ को, कि आप खुद भी स्वतः चौके चेक कर सकते हैं कि कहीं पर भी आप देखिए किसी भी आर्टिकल में वहाँ पर लिखा है रिजल्ट आंसर की एनी टाइम। जी हाँ दोस्तों, एनी टाइम यानी कि एनी टाइम मतलब कभी भी आ सकता है इसका जो है, आप एकदम अंतिम पड़ाव पे है, तो यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर आपका जो है इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा, और इसी महीने के अंत तक। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग का यही कहना है, और जितने भी एक्सपेक्टेड जो डेट्स बनते हैं काफ़ी एनालिसिस होता है, पिछले साल के रिजल्ट के डेट को मिलाया जाता है, यहाँ भी RTI किया जाता है, कुछ फ़ोन कॉल्स होते हैं, कुछ अधिकारियों से बातचीत होती है, काफ़ी लोग जो है किसी प्रकार की जो है सोर्स के थ्रू जो है पता करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करके आपके लिए वेबसाइट्स पे वीडियोस के माध्यम से बताया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही प्रकार है दोस्तों, कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही अवगत कराना चाहता हूँ कि आपका जो है रिज़ल्ट और आंसर की, जी हाँ दोस्तों, एनी टाइम आ सकता है, पहले तो आपका आंसर की ही आएगा, और वो हो सकता है ये 2 से 3 दिन के भीतर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन के भीतर जो है अनुमान जो आपका
अनुमानित डेट है वो 2 से 3 दिन के भीतर आ जाएगा, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीक यानी कि जैसे ही आपका ये आंसर किया जाएगा उसके नेक्स्ट वीक में आपका जो है इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये अपडेट पहुँच सके। दोस्तों हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, आप कभी भी एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको हमसे पूछना हो कुछ भी अपने एग्जाम्स के बारे में या इसी वीडियो के माध्यम से जो आपने मैंने आपने देखा कि इसके बारे में भी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ और भी डिटेल्स में पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या आप हमें पेज पर जाके जो है मेल आईडी है उस पर आप मेल करके भी हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ।